सो हे एक्वेरियम फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप अपने गप्पी फिश के लिए एक ब्रीडिंग बॉक्स बनाने वाले हैं जिसमें वो अपने बेबीज को इजीली दे पाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चिपकने वाली चीज़ जिससे हम अपने ब्रीडिंग बॉक्स को कांच के ऊपर चिपकाएंगे। तो मेरे पास ये था नहीं, तो मैंने अपने एक्वेरियम में लगे हुए फिल्टर के पीछे से इसे निकाल लिया। अभी हमारा फिल्टर दो स्टैंड पे चिपका हुआ है। सेकेंड चीज जो हमें चाहिए वो है एक सीजर जिससे हम इस बॉटल को अच्छे से काट पाए। तो हम ले आए ये एक थम्स अप की बॉटल, क्योंकि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय थम्स अप। अबे साले, तभी मेरा माफ करना होगा, लगा मेरा मजाक। इन्होंने तो हमें कोई पैसे दिए नहीं, बल्कि मेरे से ही 95 रुपीस लिए। तो सबसे पहले तो करेंगे हम इन्हें नंगा। नंगा करने के बाद हम कर लेंगे इसे बीच में से कट कुछ इस तरह। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। तो अब टाइम है इसके अंदर छुरे बोकने का, इसके अंदर छेद करने का। तो छेद कर लेते फटाक से। तो छेद करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो आप भी इसे फटाफट ऐसे छेद कर लेना। तो अभी टाइम है ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट में फिट कर लेने का, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में मदर एंड नीचे वाले पार्ट में उसके बेबीज रहने वाले। तो फटाक से हम इसे अभी फिट कर लेते। तो इन दोनों को अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएंगे। और रही बात इस चिपकू से चीज़ को चिपकाने की, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इस बॉटल के ऊपर एक होल करके रखा था जिसमें हमने इसे चिपका दिया है। तो कुछ ये इस तरीके से अभी फाइनल लुक इसका दिख रहा है। तो अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो अब टाइम है इसे अपने टैंक में डालने का। Thank you.